आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी सिंह और आप देख रहे हैं लिटरेचर टॉक। इस कार्यक्रम में हम किसी साहित्यकार या किसी कवि के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कभी आपने किसी शेर को शेर कहते हुए देखा है क्या? नहीं ना? तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि हमारे साथ एक ऐसे भी शेर हैं जो शेर लिखते हैं और काफी चर्चित भी है। जी हाँ, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ जयंत कुमार थोराज साहब की। आप सेवानिवृत्त डीआईजी पुलिस छत्तीसगढ़ रह चुके हैं और जितने ही पारंगत शस्त्र चलाने में उतने ही पारंगत आप कलम चलाने में भी हैं। दोनों ही चीजों पर आपकी कलम खूब चली है। तो बस यही कहना चाहूंगा आपके सम्मान में कि शायर ने कहा शेर, तो शेर ने एक पल सोच लिया। शायर ने कहा शेर, तो शेर ने एक पल सोच लिया। और जब शेर ने कहा शायर, तो झपटा और दबोच लिया। तो साहब आपके सामने हैं जयंत कुमार थोराज साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब हमारे कार्यक्रम में। और आपको लिखने का शौक कब से लगा? असिंह साहब, मैं प्रारंभ से ही लिखता हूँ। हालांकि मेरा बैकग्राउंड साहित्यिक नहीं है जी, परंतु मेरी मदर को किताबें पढ़ने का शौक था, तो मेरे ख्याल से वो चीज मुझे उन्हीं में आई। जी जी जी, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं कवि, तो वो कहा करते थे अगम शर्मा जी जी कि माँ चाहे तो अपना शिष्टाचार बना दे, चाहे तो खंजर की पैनी कोर बना दे, जब भूगोल चीखता तो उपगलती गोले, शरहद पर जलते ही शोलों पर ही शोले, तब माँ ही बेटे को बलि का पाठ पढ़ सकती। उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहाँ 12 महीने में 13 माताओं की पूजा होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? देखिये, मैं थोड़ा बहुत कविताएं लिखता हूँ और गजलें, दोनों विधा में थोड़ी बहुत मेरी पकड़ जी। तो सबसे पहले कविताओं से ही शुरुआत कर, मैं कविता से आज शुरू कर रहा हूँ। स्वागत है। शीर्षक है बंद जी। हम लोगों ने अक्सर देखा है बंद किसी कारणों से लोग करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जो है जी, वो जो बेचारे डेली के मजदूर हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, उन पर भी होता है जी। वो एक छोटी सी बात कहने की कोशिश की है मैंने जी। स्वागत चाहूंगा। स्वागत। आज फिर मुट्ठी भर लोगों ने अपनी तथाकथित मांगों के लिए शहर बंद करा दिया जी। आज फिर मुट्ठी भर लोगों ने अपनी तथाकथित मांगों के लिए शहर बंद करा दिया। आज फिर गरीब रामू के घर चूल्हा नहीं जलेगा जी। बिल्कुल सही। आज फिर गरीब रामू के घर चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि शहर बंद होने से उसे काम नहीं मिलेगा और मजदूरी का पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि शहर बंद होने से उसे काम नहीं मिलेगा और काम न शहर बंद होने से उसे काम नहीं मिलेगा और मजदूरी का पैसा भी नहीं मिलेगा। आज फिर रामू की पत्नी अपने भूखे बच्चों को पानी ही पिलाकर थपकियां देकर सुलाएगी। क्या कहें? पर जबरन, पर कंपक या भूख रह रहा कर उन बच्चों को रुलाएगी। सबसे छोटा बच्चा फिर भी भूख बर्दाश्त न होने से बार बार मांगेगा कुछ खाने को, पर उसे क्या पता कि इस बंद के कारण उसका पिता मोहताज है दाने दाने को। क्या कहें? पर उसे क्या पता कि उसका इस बंद के कारण उसका पिता मोहताज है दाने दाने को। इस देश में कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए न जाने कब तक इस तरह के बंद होते रहेंगे, और रामू के बच्चों जैसे बच्चे न जाने कब तक यूं ही भूखे सोते रहेंगे, भूखे सोते रहेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी पंक्तियाँ। भूख का जो चित्रण आपने किया, निसंदेह कवि वही है जो किसी चीज को देखता है और उसे आत्मसात करता है, और तब इसके बाद उसकी कलम चलती है। बड़ी ही बड़ा ही गहन चिंतन का विषय। और एक शेर मुझे एक शायर का याद आता है कि माने उबाले कंकड़ पतीली में सारी रात भोजन के बहम में पड़े बच्चे भी सो गए। क्या बात, ये गरीबी, ये मुफलिसी साहब वही लोग जानते हैं
जो इसमें जीते हैं। इस मुफलिसी को वो लोग क्या समझेंगे जो सातवां वेतन मान ले रहे हैं और एसी के कमरे में बैठते हैं, लग्जरी गाड़ियों की सवारी करते हैं, वो लोग क्या समझेंगे जो कम पैसों में देश का सबसे सस्ता खाना खाते हैं दिल्ली में बैठकर। गरीबी वो आदमी समझेगा जो झुग्गी झोपड़ियों से होकर गुजरता है, लोगों के दर्द को समझता है और उसी को उकेरने की कोशिश करता है। बहुत अच्छी रचना के लिए आपको हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। और इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि घर में लेखन का माहौल कैसा था। घर में लेखन का माहौल तो नहीं था, लेकिन चूंकि मेरी रुचि थी तो मैं जब भी मौका मिलता था, जब भी मैं अपने काम से थोड़ा बहुत भी समय पाता था तो लिखने में और पढ़ने में जरूर व्यतीत करता हूँ। आज भी मेरी आदत है कि मैंने एक छोटा सा एक स्टडी रूम बना रखा है जी। उसमें रोज रात में कम से कम 2 घंटे मेरे उसमें गुजरते हैं, जिसमें पढ़ना लिखना दोनों होता है। बहुत अच्छी बात है, ये चाहिए भी, क्योंकि जो जितना अच्छा पढ़ता है उतना अच्छा करता है, ये सिद्धांत है दुनिया का। तो अभी आप क्या सुनाएंगे? अब तो गजल की बारी है। गजल मैं आपकी छोटी सी सुना। गजल के लिए आपको एक चीज मैं भूमिका में कहना चाहूंगा। गजल क्या है कि आंख अनायास सजल होती है, रूप की प्यास गरल होती है, दर्द ढलते हैं गीत बनता है, गीत गलते हैं गजल होती है। तो ऐसी ही गजल के लिए आपके सामने मुखातिब हैं हमारे थोराक साहब, और गजल का आनंद मैं एक छोटी सी गजल पढ़ता हूँ। इरशाद। उन्हें याद आ जाना नामुमकिन है, उन्हें याद आ जाना नामुमकिन है, मेरा पहचाना जाना नामुमकिन। क्या कहना है? उन्हें याद आना नामुमकिन, आ जाना नामुमकिन है, मेरा पहचाना जाना नामुमकिन है। क्यों खड़े हो इस दरख्त के नीचे तुम? क्यों खड़े हो इस दरख्त के नीचे तुम? सूखे शजर में छांव आना नामुमकिन है। क्या बात? सूखे शजर में छांव आना नामुमकिन है। चलो कोई और जगह तलाश करें हम, चलो कोई और जगह तलाश करें हम, इस शहर में अब आबो दाना नामुमकिन है। इस शहर में अब आबो दाना नामुमकिन है। और किस किस से कहोगे अपनी बात तुम? किस किस से कहोगे अपनी बात तुम? हर एक शख्स को समझाना नामुमकिन है। हर एक शख्स को समझाना नामुमकिन है। और अंत में है कि वक्त के साथ अपना नजरिया बदल डालो, वक्त के साथ अपना नजरिया बदल डालो, पुरानी छुरी से बुत तराशना नामुमकिन है। पुरानी छुरी से बुत तराशना नामुमकिन है। क्या कहें? बहुत अच्छी सोच और एक परिपक्व गजल के लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। और गजल में होता ये है कि दो मिसरों में शेर में बात कहनी होती है। शायरी का फन भी यही है साहब कि शायर एक मिसरे में मुकम्मल बात करता है। शायर एक मिसरे में मुकम्मल बात करता है और दूसरे मिसरे में उसका सबूत पेश करता है। तो यह शायरी का फन है। और जितने भी शेर लिखे जा रहे हैं, जितनी भी गजलें कही जा रही हैं, जितने कतात कही पढ़े जा रहे हैं, सब में लगभग यह फन लागू होता है। अच्छी बात आपने कही, अच्छा चित्रण किया। कहा यह भी जाता है कि कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तो अभी आप हमारे नाज़रीन को क्या? एक और गजल पढ़ना चाहूंगा मैं। ये जो आजकल जो अपने समाज में जो चीज देखी गई है, आदमी आदमी के बीच दूरी हो गई है जी, कौम कौम के बीच दूरी हो गई है जी, उसी बात को कि हमको क्या है और क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सा समझाने की कोशिश की है मैंने। क्या कहने? कि इंसान को इंसान की पहचान रख, इंसान हो इंसान की पहचान रखना, इंसान हो इंसान की पहचान रखना, सन अपने हिंदू न मुसलमान रखना। मतलब आप अपने साथ इंसान रखिए, हिंदू या मुसलमान को मत रखिए जी, बिल्कुल। इंसान हो इंसान की पहचान रखना, संग अपने हिंदू न मुसलमान रखना। क्या राहत मयसर करने मुसाफिरों को धूप में,
राहत मयसर करने, मुसाफिरों को धूप में, मकान में अपने जरूर एक दालान रखना, मकान में अपने जरूर एक दालान रखना, और खो न जाओ जहाँ की बेहिसाब भीड़ में, खो न जाओ जहाँ की बेहिसाब भीड़ में, लाजमी है अपनी अलग पहचान रखना, लाजमी है अपनी अलग पहचान रखना। बुलंदी आत्मा की भी कम नजर आए, बुलंदी आत्मा की भी कम नजर आए, ऊंचा इतना तुम अपना ईमान रखना, ऊंचा इतना तुम अपना ईमान रखना। और भूलने में आजकल वक्त कहाँ लगता है, आजकल तो वक्त भूल जाता है, भूलने में आजकल वक्त कहाँ लगता है, दिल में यादों के जरूर कुछ मेहमान रखना, दिल में यादों के जरूर कुछ मेहमान रखना। इन दिनों फूल भी पत्थर से सख्त हो गए हैं, इन दिनों फूल भी पत्थर से सख्त हो गए हैं, भूल कर भी साथ शीशे का सामान न रखना, भूल कर भी साथ शीशे का सामान न रखना। और एक बात कहना चाह रहा था कि आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि उसको जो अपने हमारा क्रिएटर है भगवान जिसको मानते हैं उसको याद करने के लिए उसको पास एक मिनट भी नहीं होता है। बिल्कुल, उसके लिए कहा है कि ताउम्र खुदा को न याद किया कोई बात नहीं, ताउम्र खुदा को न याद किया कोई बात नहीं, आखिरी वक्त साथ अपने गीता या कुरान रखना, क्या आखिरी वक्त साथ अपने गीता या कुरान रखना, इंसान हो इंसान की पहचान रखना, संग अपने हिंदू न मुसलमान रखना। क्या कहते हैं, मुझे वसीम साहब का एक शेर याद आता है कि साथ में मानवता का सम्मान होना चाहिए, आदमी को पहले एक इंसान होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, इंसान इंसानियत साहब पहली सीढ़ी है मानवता की, और हर किसी के अंदर एक अच्छा इंसान हो, इसी के लिए इन कवियों, इन शायरों, गीतकारों, गजलकारों की कलम निरंतर कोशिश करती रहती है। और बस यही कोशिश है कि इंसान हैवान ना बनने पाए, इंसान ही बना रहे, ज्यादा अच्छा है। और हमारी पहचान भी यही है। आपने गुलों की बात कही तो एक माजरा याद आया कि एक माली रोज फूलों को तोड़ा करता था, तो जब वो फूल को हाथ लगाया तो फूल हंस दिया, उसको बड़ा बुरा लगा, बोला अरे तुम अगले पल ही तोड़ लिए जाओगे फिर भी तुम्हें भय नहीं लगता। माली ने कहा कि गुंचे तेरी तकदीर पे दिल हिलता है, गुंचे फूल गुंचे तेरी तकदीर पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। क्या गुंचे तेरी तकदीर पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। तो कहा गुंचे ने ए बाबा इस उपवन में एक तबस्सुम भी किसको मिलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस उपवन में एक तबस्सुम भी किसको मिलता है। तो आज साहब कहते हैं कि सिरफिरे और पागलों को छोड़कर कौन हंसता है इस जहां में, तो हंसना तो लोगों के चेहरे पे गायब हो जा रहा है। लाख कोशिशें की जा रही हैं फिर भी लोग थोड़ी देर के लिए मुस्करा लें भले, लेकिन वो मुस्कुराहट भूल गई जो गांव की गलियों में हुआ करती थी, किसान के खेतों में मुस्कराया करती थी। तो खैर बातें बहुत सारी हैं और समय की हमारी बाध्यता है, तो अभी आप क्या सुनाएंगे एक गजल जैसी ही है। मैंने आजकल आप देखिए समाज में लड़कियों पर, महिलाओं पर बहुत सारी जी लड़कियाँ होती हैं, सब चीजें होती हैं जी, तो जो नहीं होनी चाहिए, हम लोग पता नहीं क्यों इस हैवानियत पे चले आए हैं, और इस तरफ इसको रोकने की तरफ हमको कोशिश करनी चाहिए। हमको समाज पारिवारिक शिक्षित कहते हैं तो हमें इस पे भाग जरूर लेना चाहिए। जिस देश में 12 महीने में 13 देवियों की पूजा हो, माँ को मातृभूमि कहा जाता है, गंगा को माँ की संज्ञा देते हैं, नदियों को हम माँ की संज्ञा देते हैं, तो ऐसी जगह में अगर बेटियों के साथ ऐसा न्याय होता है तो निस्संदेह से शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती था। तो उन्हीं के ऊपर मैंने बेटियों के ऊपर कुछ रचनाएं पंक्तियां लिखी हैं कि घर के आंगन में फूलों से खिलती हैं लड़कियां,
घर के आंगन में फूलों से खिलती हैं लड़कियाँ, नसीब वालों के घर में ही पलती हैं लड़कियाँ। क्या कहेंगे, घर के आंगन में फूलों से खिलती हैं लड़कियाँ, नसीब वालों के घर में ही पलती हैं लड़कियाँ, खुदा की भेजी पाक नेमत सी नजर आती है। क्या कहेंगे, खुदा की भेजी पाक नेमत सी नजर आती है, घर के दालानों में जब टहलती हैं लड़कियाँ, घर के दालानों में जब टहलती हैं लड़कियाँ, हवा के झोंकों में फूलती को झूमती हंसी कली सी लगती है, हवा के झोंकों में झूमती हंसी कली सी लगती है, किसी ख्वाहिश पे जब अपनी मचलती हैं लड़कियाँ, किसी ख्वाहिश पे जब अपनी मचलती हैं लड़कियाँ, जब तक करीब है खुशियों से सराबोर रखना, जब तक करीब है खुशियों से सराबोर रखना, जल्दी ही पीहर से बाहर निकलती हैं लड़कियाँ, जल्दी ही पीहर से बाहर निकलती हैं लड़कियाँ, हालात हर हालात में जीना इनकी फितरत में है शामिल, हर हालात में जीना इनकी फितरत में है शामिल, सुख दुख के सांचे में जल्दी ही ढलती हैं लड़कियाँ, सुख दुख के सांचे में जल्दी ही ढलती हैं लड़कियाँ, और कदम इनके किसी पाक जमी से कमतर तो नहीं, कदम इनके किसी पाक जमी से कमतर तो नहीं, जब भी हंसे तो लोहबान सी महकती है लड़कियाँ, जब भी हंसे तो लोहबान सी महकती है लड़कियाँ। और आखिरी ये है कि उनको थोड़ा शक्ति देने की या उनका संबल बढ़ाने की कोशिश की गई है कि नजाकत को इनकी कमजोरी समझने वालों समझो संभलो, नजाकत को इनकी कमजोरी समझने वालों जरा संभलो, अपनी पर आए तो अंगारों से बहती है, बहुत बढ़िया बात, अपनी पे आए तो अंगारों से बहती है, घर के आंगन में फूलों से खिलती हैं लड़कियाँ, और नसीब वालों के घर में ही पलती हैं। क्या कहने, सही में वास्तव में हमारी बेटियाँ अगर अच्छी बहन है तो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर हैं, जो वो अंगारा है कि जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो रानी लक्ष्मीबाई भी हैं और महारानी दुर्गावती भी हैं। और अभी तो मैं आपको लेटेस्ट खबर बताऊं कि हमारे देश में एक स्वात बोल करके बटालियन बनाई गई है जो बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ भी आने वाली है, तो इसमें जो जिन नई बच्चियों को शामिल किया गया है वो अकेली ही एक बच्ची 100 पर भारी है, उसके पास इतने आर्म्स एमिनिशन और उनको इजराइल की सेना ने बाकायदा इतना कुछ प्रशिक्षित किया है कि वो अकेले ही 100 पर भारी पड़ेंगी, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे सीधे रहे तो सीधे, नहीं तो सुधार तो देंगी। तो ये चीजें हैं बेटियों को लेकर के, मुझे बड़ी अच्छी पंक्तियां याद आती हैं जनाब मनोहर राणा साहब की कि न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, वो महबूबा बनाते हैं मैं बेटी बनाता, वो महबूबा बनाते हैं मैं बेटी बनाता हूँ। और इस शहर देखें उनका कि क्या लिखते हैं साहब कि मुझे इस शहर की सब लड़कियाँ आदाब करती हैं, मुझे इस शहर की सब लड़कियाँ आदाब करती हैं, मैं भाई की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ। मनोहर राणा साहब का जवाब है, वो शायर हैं जो लोग कहते हैं। और बेटियां ऐसे ही नहीं है, हमारी बेटियां, मैं आपको एक और चीज बताऊं, पश्चिम बंगाल में 12 महीने में 13 देवियों की पूजा होती है, और वहाँ जो रामकृष्ण मिशन बोल करके एक संस्था है जी, वहाँ पर कन्या कुमारी कन्या का हर वर्ष पूजन किया जाता है, वह भी दो नवरात्रों में, चैत्र और पार के दोनों नवरात्रों में कुमारी कन्या का पूजन किया जाता है, और बाकायदा उसको वह आश्रम ले लेता है, की शिक्षा दीक्षा का सारा खर्च भी वही आश्रम उठाता है। तो हम उस देश में रहते हैं, और जब कभी किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता है तो दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि आखिर है तो हमारे ही परिवार की बच्ची। तो बहुत अच्छी रचना आपने रखी, और अब आप क्या सुनाना चाहेंगे? अब एक और छोटी सी गजल मैं पढ़ना चाहूंगा जी। स्वागत है। रिश्तों में जरा मिठास रखिए, रिश्तों में जरा मिठास रखिए, खुद पर भी विश्वास रखिए। अच्छी बात है। रिश्तों में जरा मिठास रखिए, खुद पर भी विश्वास रखिए जी। हर शख्स बुरा नहीं होता, हर शख्स बुरा नहीं होता, गैरों को भी पास रखिए। क्या कहें, हर शख्स बुरा नहीं होता, गैरों को भी पास रखिए, खुदा के घर देर नहीं है,
खुदा के घर देर नहीं है, उस पर भी आप रखिए, क्या कहें, उस पर भी आप रखिए, जब आएगा आपको जरूर देगा। और गमों से कोई बचा नहीं, गमों से कोई बचा नहीं, दिल को नवदात रखिए, क्या कहें, गमों से कोई बचा नहीं, दिल को नवदात रखिए, चाह कर कोई भूल न पाए, चाह कर भी कोई भूल न पाए, ऐसा कुछ इतिहास रखिए, अच्छी बात, ऐसा कुछ इतिहास रखिए, और दिल को दिल से जोड़ने का, दिल को दिल से जोड़ने का हर पल ये प्रयास रखिए, हर पर ये प्रयास रखिए, रिश्तों में जरा मिठास रखिए, उस पर भी विश्वास रखिए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। और कोई ऐसा संस्मरण जो आप बांटना चाहें हमारे दर्शकों से, लेखन से संबंधित कोई भी संस्मरण? लेखन से संबंधी एक्चुअली क्या है, देखिए मैं तो जैसे स्वांत सुखाय वाली बात होती है ना जी, जी मैं उस हिसाब से लिखता हूँ कि अपना अपने को पसंद आए, अपने को अच्छा लगे, खुद अपने में ही इन अपने में ही उसको पढ़ें और अपनी खुद ही आनंद ले इस टाइप के मेरे स्वभाव में। कभी मंचों पे वैसे गया नहीं जी, और कविताएं जरूर मेरी इसमें छपी है पत्रिकाओं में जी, तो ऐसा कोई खास संस्मरण मेरे पास नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे शेयर कर सकूँ। क्या तो नहीं, अच्छी बात है, कभी कभार ऐसा होता है। और स्वांता सुखाय लिखना भी बड़ी अच्छी बात होती है कि कहते हैं कि खुश हो गए अल्फाज, कभी रो गए अल्फाज, खुश हो गए अल्फाज, कभी रो गए अल्फाज, जो दिल पे गुजरती है वही हो गए अल्फाज। तो ये चीजें हैं साहब, लेखन इतना आसान नहीं होता, शायर बनना भी इतना आसान नहीं होता, एक शेर लिखने में पसीने छूट जाया करते हैं। तो बड़ी अच्छी गजल के लिए आपको एक बार फिर से बधाई। और चूंकि हमारी समय की सीमा है और चलने का भी वक्त हो रहा है, तो अब इसी के साथ हम दर्शकों से विदा चाहेंगे। और आपका भी, आप आए हमारे स्टूडियो में, ग्लिम्स परिवार को इतना समय दिया, इसके लिए ग्लिम्स परिवार की तरफ से आपके हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। News. Keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal.